आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमें बाज़ाब्ता पार्लियामानी पार्टी के इजलास की इतला नहीं दी गई। खबर हमने मीडिया से सुनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब की गुफ्तगू, कहा कि पंजाब असम्बली इजलास में कानून और आइन के तहत निज़ाम चलने दें, अगर ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ चलाने की कोशिश की तो फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। अभी तक हमें एजेंडा भी नहीं मिला है। मज़ेदारी की बात है, मतलब ये कहते हैं ना, ये इनको समझ नहीं आ रही ये कैसे चलाना है, ये क्या करना है। हमारा ये मौक़िफ है कि यह इजलास जो हो, जो भी होगा, इसमें हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हाउस के अंदर भी एहतजाज होगा और वहाँ वहीं रहेंगे, तो फिर हाउस को इस तरह हम चलने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर की बात है, इनको ये खुद नहीं पता क्या बनाना है, क्योंकि जो जाली मैंडेट होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अब जो है, ये खुदा की कसम मैं कहता हूँ, ये अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये इनमें से जीते हुए हैं तो हम बिल्कुल मान लें। देखें, कल उस दिन भी हमने टोकन वॉकआउट किया था, उनका रवैया जब आप देखेंगे, मेरे बाद उन्होंने मोहतरमा मरियम साहिबा को फ्लोर दिया, उनका माइक कैसे खुल गया अगर मेरा नहीं खुल सकता था। ये दोगलापन नहीं चलेगा इस तरह। उन्होंने पहला उनका जो फिक्रा था वो ये था कि मैं हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं कानून के मुताबिक, अगर कानून मेरे पर लागू होता तो उन पर क्यों नहीं लागू हुआ। आज हम